हेलो फ्रेंड्स, सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज मैंने बच्चों की पसंद की बनाई है मैक्रोनी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। तो कभी कभार हमें मैक्रोनी भी खा लेनी चाहिए, इसीलिए हम आज मैक्रोनी बना रहे हैं। तो उसके लिए मैंने मैक्रोनी को रख दिया है उबलने के लिए पानी में। ये देखिए, पानी बॉयल करके तो इसमें मैंने मैक्रोनी डाली थी। मैक्रोनी मैंने 250 ग्राम ली है। इधर हम चेक कर लेते हैं हमारी मैक्रोनी पकी है या नहीं। ये देखिए पक चुकी है, तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। इधर मैंने प्याज काट लिया है, 2 बड़े प्याज काटे हैं। और मैक्रोनी को हम छान लेते हैं, इसका सारा पानी निकाल देते हैं ताकि ये अच्छे से इनको धो लेते हैं पानी निकाल के। ये देखिए एकदम खुली खुली और बहुत ही अच्छी बनी है, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से गल गई है। तो इधर हम कढ़ाई में तेल लगा लेते हैं मैक्रोनी बनाने के लिए। इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच जीरा, साबुत जीरा। ये देखिए जीरा हमारा भुन रहा है। इधर हम प्याज डाल देते हैं जीरा भुनने के बाद। आप चाहो तो और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, पर मैं कम सब्जियों में कम प्याज लहसुन में मैं बनाती हूँ ये पास्ता, ये बहुत ही अच्छा बनता है। और मैंने 3-4 हरी मिर्च डाली हैं, जो कि मैंने काट दी हैं। प्याज को हम अच्छे से भून लेते हैं, प्याज और हरी मिर्च को बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हम इसको बनाएंगे। जो भी हमारे घर में सामान है उसी में हम टेस्टी मैक्रोनी बना के तैयार करेंगे। और मैंने डाल दिया है 1 बड़ा टमाटर, जो कि मैंने बारीक कट कर लिया है। इसको भी हम भून लेते हैं और डाल देते हैं मैक्रोनी, जो कि हमने उबाल के रख दी है। इसमें हम अब डालेंगे थोड़े मसाले। आप चाहो तो कम मसाले डालें या फिर नहीं डालें, इच्छा अनुसार। ये देखिए मैंने सोया सॉस डाल दिया है, अभी हम डालेंगे सोया सॉस। इस तरह से फ्रेंड्स बनाएंगे आप, बहुत ही टेस्टी बनेगी। 2-3 चम्मच मैंने डाल दिया है सोया सॉस। इस तरह से हमें मिला लेना है मैक्रोनी में। ये देखिए दिख रही है ना, बहुत ही टेस्टी। अभी हम डाल देते हैं चिल्ली, रेड चिल्ली सॉस। ये देखिए अभी हम थोड़ा सा विनीगर डालेंगे इसमें। और मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पनीर मसाला, इससे क्या है टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है मैक्रोनी का। तो सारे मसालों को, इंग्रेडिएंट्स को हम सबको मिला देते हैं। और स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। तो मैक्रोनी हमारी बनके हो गई है तैयार फ्रेंड्स। अभी हम इसको सर्व करने वाले हैं एक प्लेट में। अच्छे से मसालों में मिक्स करेंगे। ये देखिए मैक्रोनी हमारी बनके तैयार हो गई। तो अभी हम प्लेट में सर्व करते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं।